सो बच्चे लोग, लेट अस स्टार्ट। प्रिपरेशन वाइज हमारे पास जो टाइम है उसमें हम लोग क्रिस्प तैयारी करेंगे, कोशिश ये करेंगे वट एवर इज देयर इन एनसीईआरटी बुक रिलेटेड विद द एक्टिविटी विद द कलर, जैसा क्वेश्चन बनता है वो सब हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा कुछ कवर अप कर लें। तो दिस इज द सिलेबस दैट इज गिवन, ये आपका रेडियो सिलेबस आपका है और इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ जो आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन, नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्लियरली मेंशनड है, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां तक तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को आता ही होगा और हम लोग बैलेंसिंग पार्ट हम लोग किए भी हैं। नाउ हमेशा देखिएगा इक्वेशन में लिखते वक्त अगर आपको ठीक से पता नहीं है तो कोशिश ये करना कि जो स्टेट लिख रहे हो वो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है वो रखिएगा, अगर एकदम ही नहीं होता है तो मत लिखिएगा, लेकिन क्लियर कट आपको फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला लिखना है, बैलेंस करने की कोशिश करना है, बैलेंस कीजिएगा। बैलेंसिंग के बिना कोई भी इक्वेशन अधूरा ही है तो वो चीज आपका काउंट इन जनरल नहीं होगा, आप एट द मर्सी ऑफ द एग्जामिनर हो जाएंगे। अब आपको एकदम ही समझ में नहीं आता तो आप कोशिश कीजिएगा गलत इक्वेशन मत लिखिएगा, ठीक है, लीव दैट थिंग, आपने वर्ड्स में लिख दिया दैट विल बी, मतलब आपको अवार्ड मिल जाएगा, पर गलत फॉर्मूला लिख देना वो बहुत ही खराब आपको रेपो देगा, पहले से प्रैक्टिस करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, देखने में तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन डिकॉम्पोजिशन ये सब है, बट जनरली हमको इस तरह से नहीं पूछता, वैसे पूछेगा डिफाइन करके पूछ सकता है, डिफाइन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव ऑल थिंग्स। जब भी वर्ड डिफाइन होता है यूज किया जाता है क्वेश्चन में तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको डिफाइन कीजिए, मतलब आपका अगर बहुत बड़ा नहीं है तो 10-20 वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी टर्म को, कोशिश कीजिएगा कि आप उसका एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकें। फिर से बोल रहा हूँ, गलत मत दीजिएगा, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है तो आप बोल सकते हो ना कि भाई यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, या फिर एलिमेंट लिखे हो या फिर कंपाउंड बोल सकते हो, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO2 गिव्स CaCO3, ऐसा चीज अगर हम बोलेंगे तो ये रिएक्शन मेरा ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ, एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं तो आपका ये जो मार्किंग है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर जनरली बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो स्ट्रेस होते ही हैं, आप उनकी लाइफ जितनी इजी कर सकते हो उतना अच्छा है। तो अगर आपने लिख दिया CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, या फिर आपने ये लिख दिया H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस करने के बाद मतलब 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O विद प्रॉपर गैस, गैस यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया लिक्विड, तो ये समझ में एग्जामिनर को आ जाएगा कि हाँ आपने जो मतलब लिखा है ऊपर वो सही है। एक थॉरो मतलब रीडिंग के बाद, एक उनको रीडिंग के बाद आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगा, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। कट्टन कुट्टा बहुत बार मत कीजिएगा, ऐसी से मत काटिएगा, ऐसी से करके वो बहुत बकवास लगता है, आपको काटना तो एक सिंगल लाइन से आप काटिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के बाद आप हमेशा लाइन्स छोड़ दीजिएगा, एग्जामिनेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में आपको ख्याल आया कि छूट गया कोई चीज, आप लिख सकते थे तो जगह नहीं मिलने के बाद आप रैंडम मत चलिएगा टू बी कंटिन्यूड करके, वो गलत तरीका होता है। एग्जामिनेशन में आपको सफिशिएंट पेपर्स मिलते हैं इसलिए उसको ध्यान रखते हुए कीजिएगा। अगर फिगर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सही से बनाइए, पार्ट थोड़ा सा लेबलिंग कर दीजिएगा तो आपको पेनल्टी, मतलब अगर बहुत बहुत अच्छा नहीं बनाया तो पेनल्टी बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर आपने पार्ट सही से दिखा दिया, ठीक है। लिखा हुआ है तभी कीजिएगा, बिकॉज ड्राइंग ऐसा कीजिएगा जहां पे आपको समझ में, मतलब एग्जाम में समझ जाए। बहुत बड़ा अगर कोई सेंटेंस बन जा रहा है तो आप उसको कोशिश कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में करने का, क्योंकि नंबर्स आप देखे होंगे, मार्किंग्स में देखे होंगे, बहुत इतिहास भूगोल यानी बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने में नंबर नहीं आता, इसमें बहुत सारी लाइन लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना मुझे, मुझे पूरा पॉइंट लिखना है, पूरा पॉइंट पे मार्किंग हमने देखा होगा, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियरली मेंशनड है, ये आपको याद रखना है बेटा, ये पक्का ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। यहाँ पे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पहले वाले पार्ट पे तो ज्यादा नहीं देख दिया हुआ था, दूसरे वाले पार्ट पे देख रखा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पक्का ही आप देखना, आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, मतलब चांसेस के बहुत ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज है वही है, यहाँ पर बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होगा, कैल्सिनेशन वाला पार्ट, रोस्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नॉमन क्लेचर में यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है हैलोजन्स,
अल्कोहल कीटोन्स एल्डिहाइड अल्केन्स एंड अल्काइन्स ओके होमोलोगस सीरीज। तो ये पार्ट जो है हम लोग प्रैक्टिस बहुत कर भी चुके हैं, आगे भी कर लेंगे, ये पार्ट को भी आपको ध्यान देना है बिकॉज ये सब इन्हीं फंक्शन ग्रुप में ज्यादातर आएगा। मजे की बात है यहाँ पे कोई आपका एसिड ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि इथेनोइक एसिड हमारे कोर्स में है पर कोई एसिड यहाँ पर नहीं लिखा, एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, लिखने को तो अल्कीन नहीं लिखा हुआ है लेकिन ठीक है अल्कीन आता ही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये क्लियरली मेंशन है, तो एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपका मतलब एक्सपेक्टेड है कि आप उसको दिखेगा ही दिखेगा, और वहां पर आपको टेस्ट देखना होगा। KMnO4 आपको यूज करने के लिए बोला भी गया है, आपके बुक में दिया हुआ है, तो KMnO4 टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अनदर टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जनरली उसमें नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में इस तरह से, लेकिन हमें लिखना है, ठीक है। कंबशन ऑक्सीडेशन एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में रिएक्शन सारा आ जाएगा। एंड इट्स यूजेस ये लिखा हुआ है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये कैसे काम करता है, वहां पे मिसल वाला पूरा फॉर्म आपका आ सकता है, ठीक है। सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये सारे चीजें हम लोग धीरे धीरे करते हुए पढ़े भी हैं, अभी रिवाइज भी कर लेंगे। तो क्लियर कट आपने सिलेबस को सामने रखिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, और पहले सब कुछ कवर करने से पहले इन सबको पहले कवर अप कीजिएगा, एक बार अच्छे से कवर अप हो जाए फिर आप जो आप और किताब उठानी उठा लीजिए, पहले एनसीईआरटी को रिगरसली एक बार कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाए। तो पहला चीज है केमिकल रिएक्शन में जो भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको दो बातें याद रखनी है। इन जनरल अगर आपसे बोला जाए तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक तो आपको लिखना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, पहला सेंटेंस या पहला लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होना चाहिए, ये याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वही पूछा ही जा रहा है, ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता है। और ये क्या है, पीसीजीएसटी, मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म, व्हाट इज द कलर, प्रेसिपिटेट क्या है, कलर क्या है, गैस इवोल्यूशन क्या है, स्टेट चेंज है कि नहीं है, टेम्परेचर चेंज है कि नहीं है, वो सारे के सारे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में पहला सेंटेंस हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा वाला होता है रिएक्शन। ना बच्चों यहां गलत मत कर दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपने सही से लिख दिया है तो आपको पूरा पूरा मार्क्स यही मिल जाता है, एक नंबर तो मिल ही जाता है जनरली, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपको आता है तो प्लीज लिखिएगा, अगर नहीं ठीक से आता है तो मत लिखिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि आप लिखोगे, बैलेंस रिएक्शन लिखोगे, पर अब सपोज आपको एकदम ही नहीं आ रहा, आपको गलत लग रहा है, तो गलत रिएक्शन लिख कर पेनालाइज हो जाना, पेनाल्टी वाइज कहा जाना, इससे अच्छा है कि आप इस जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिफाइन कर दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना आपको दिमाग बढ़ा कर रखना। नाउ पहले से हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी बेस पे हम लोग बात करें तो हमें कुछ इस तरह के कंपाउंड दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल AgCl, ना AgCl कहाँ पे है आपको दिखेगा, AgCl आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के फॉर्म में दिखेगा, है ना। AgCl हैज अ वाइड, ये देखो लिखा हुआ है सॉलिड, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं। ना AgCl का कलर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है आपका वाइट, इट इज अ वाइट सॉलिड। देखो एनसीईआरटी में कहाँ दे सकता है, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाल दिया तो आपका क्या होगा, NaCl डालोगे क्लोराइड आएगा, Ag से पास जाएगा, AgCl बन जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म, हमेशा देखिएगा व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म, ऐसे लिखना है, ऑब्जर्वेशन ही लिख रहे हैं। दूसरा कहां आपको दिखेगा, आगे एक एक्टिविटी आया था बच्चा लोग, जहां पर हम लोगों ने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, है ना, कि एक चाइना डिश में आप रख के छोड़ दोगे तो क्या होगा, वहां पर पहले व्हाइट सॉलिड है, बाद में वो ग्रेइश बन जाता है, ग्रेइश फॉर्म में बन जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, सिल्वर और Cl2 में बाहर हो गया, टूट गया। तो वो भी एक्टिविटी एक हमारे कोर्स में है, तो जब भी आपको AgCl आएगा दिमाग बढ़ा रखना। अच्छा कुछ लोग ये कंफ्यूज आते हैं, फॉर्मूला AgCl2 लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, प्लीज क्लोराइड्स, आपके क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स में जनरली ये तीन Cl, Br, I, इस सबका वैलेंसी माइनस, वैलेंसी वन होता है, चार्ज माइनस वन होगा, तो याद रखिएगा ये माइनस वन पे है,
लेड वाले पार्ट जो है पीवी टू प्लस है, तो वो पीवी क्या बन जाएगा, इट विल बी पीवी, अगर बोलोगे तो आई टू हो जाएगा, पीवी सीएल टू हो जाएगा। ये सब कुछ ही छोटे छोटे पार्ट हैं जो हमें ध्यान रखना है, अगर हम इसको नहीं ध्यान देंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। सो पीबी आई टू इज बेसिकली वॉट, इट्स अ डार्क बेसिकली येलो कलर प्रेसिपिटेट, AGI इज अगेन येलो कलर। ओके, मतलब इसी तरह लिखना है, सपोज बोला सिल्वर नाइट्रेट में, इफ यू कैन एड सिल्वर नाइट्रेट में क्या करेंगे, वी कैन एड KI सॉल्यूशन, एडिंग KI सॉल्यूशन टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सो व्हेन ऑब्जर्वेशन आ गया, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, देन मुझे पता है कि ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर कोई बोलता है कि ठीक है देखिए सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, सिल्वर का जनरली यही सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं अगर एक्वस मीडियम में या सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए होता है। आप KI डालोगे तो कोई भी दो सॉल्ट आपस में जब रिएक्ट करते हैं बच्चा, तो वो डबल डिकम्पोजिशन ही होगा। व्हेन वी आर सीइंग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कैटायन इसका एनायन आपस में इंटरचेंज होने वाला है। नाउ एनायन मैंने दिखा दिया आपको, वैलेंसी देखते हुए आप फॉर्मूला बनाओगे, इसका माइनस वन इसका प्लस वन, तो KNO3 बन गया। ठीक है, ये आप देख नहीं पाओगे, कलर सोल्यूशन होता है। प्लस AG, अब AgI बनेगा विच इज माई येलो प्रेसिपिटेट। AgBr भी येलो होता है, AgI भी येलो होता है, AgCl व्हाइट हो जाता है। सो AgCl इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgI इज डार्क येलो, AgBr इज ऑल्सो येलो इन कलर। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट इज द कलर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ओके, एंड ऑल्सो कई लोग मुझे दिखे हैं ड्यूरिंग द सेशन, they are writing AgI2, this is wrong, Ag is having a valency of 1, isn't it, plus 1, uska aapka charge hai, I minus 1 charge hai, to AgI is the formula, so please ye baatein dhyan rakhte hue kijiyega, we have to be very particular, yeh galti nahi hona chahiye, inhi mein se koi na koi aapka aa jayega, dekhte jana, BaSO4 bhi aayega, BaSO4 ka aapko example dikhega, we will discuss one activity, already discussed kar chuke hain hum log. So here also what we are going to see, that barium sulfate has a white precipitate, so we require some barium ion, we require some sulfate ion, so the activity can be adding sodium sulfate in barium chloride solution, or ek activity diya hua hai, it's in NCRT, that talks about adding ammonium sulfate in barium hydroxide सोल्यूशन। सो वेरी क्लियरली ये वही चीज बात कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सॉल्ट जो भी बनता है, जो ये सॉल्ट होगा इसका कैटायन एंड एनायन का अलग अलग सोर्सेस होंगे। द कैटायन शुड कम फ्रॉम अ सॉल्युबल सॉल्ट या एक बेस से आएगा, एंड द एनायन शुड कम फ्रॉम अ सॉल्युबल सॉल्ट या किसी एसिड से आएगा। ठीक है, तो यहां पर बेरियम सल्फेट, इट कैन बी समथिंग लाइक बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। अगेन सल्फेट आयन लाने के लिए मेरे पास क्या बचा था, सल्फेट आयन लाना है, सो आई रिक्वायर सल्फेट आयन, आई कैन यूज सम सॉल्ट और आई कैन यूज सम एसिड, दैट्स ऑल। सो BaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे तो वास्ता आपको बहुत पड़ा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट्स व्हाइट कलर कंपाउंड, यू विल सी दिस थिंग इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन लाइम वाटर टेस्ट ऑल्सो इट इज फॉर्मड। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हैं, मतलब ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉलिड स्टेट में कोई चीज कलरलेस हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, जनरली वो केमिकल कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखता है, तो हम लोग व्हाइट बोलते हैं इंस्टेड ऑफ कलरलेस। अगर ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम सब कुछ हो गया तो हम ट्रांसपेरेंट सॉलिड बोल देंगे। ठीक है, बट अगर सोल्यूशन में है तो आई कैन सी द कलर, ये कलर व्हाइट इज ऑल्सो अ कलर, तो वहां पे कलरलेस मतलब एकदम क्लीन सोल्यूशन आपको देख रहा है, कैन सी मतलब पास कर सकता है लाइट पूरा आप देख सकते हो, तो वहां पर व्हाइट इज अ कलर, वहां पर आपको बोलना है कलरलेस सोल्यूशन, इसका मतलब कोई कलर नहीं दिख रहा, पानी का रंग ही जो है, पानी जो दिख रहा है वैसे दिख रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज द व्हाइट सॉलिड। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड राइट नाउ। कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट्स अ क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट का लाइमस्टोन बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम, अगेन दिस इज माय
व्हाट व्हाइट सॉल्ट, ये भी आपको कई जगह एनसीईआरटी मिल जाएगा। सो वी आर व्हाट वी आर डन, हम लोग सारे जगह के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके ला रहे हैं एक जगह पे, अलग अलग चैप्टर्स में हो सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू समराइज, मतलब इस जगह पे लिख रहे हैं। एक बार इसको आपको याद हो गया सो आप हर जगह जो भी आप एक्टिविटी करोगे, हम सारा एक्टिविटी डिस्कस भी करेंगे, सारे चैप्टर्स का एक्टिविटी विल डिस्कस, ओके विल डिस्कस वन बाय वन। जैसे एक कॉपर ऑक्साइड का एक्टिविटी दिया हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इट इज ब्लैक कलर। कहां पे एक्टिविटी दिया है सर, याद बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, कॉपर ऑक्साइड प्लस एच टू गिव्स H2O प्लस Cu, यहाँ पे रेडॉक्सेशन की बात हो रहा था, रेडॉक्सेशन की बात हो रही है, मेटल नॉन मेटल रिएक्शन में आपको दिया हुआ है, मतलब वो जगह दिया हुआ है, वहां पर आपको ब्लैक सॉलिड हो रहा है जो टर्न क्या हो रहा है, वो बेसिकली आपका कॉपर के फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है, विच इज रेड ब्राउन कलर। Fe2O3 ये कहां मिलता है, इसके हीटिंग में करने में मिलता है, ओके और ये क्या है रस्ट के फॉर्म में भी बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेड ब्राउन, ओके दिस इज माय रेड ब्राउन कलर, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं मुझे दिखेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट भी है, रिएक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, इज द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट में क्या होगा, पहले तो कलर क्या होगा, इन जनरल आपका क्या होगा, ये आपका व्हाइट कलर होगा, ठीक है, व्हाइट कलर ये होगा। आयरन बेसिकली अगर Fe2+ बोलोगे तो हल्का सा ग्रीनिश टिंचर लेकर रखता है, ठीक है, जैसे आपका Fe4.7H2 अगर होता, ठीक है, .7H2 अगर होता क्रिस्टल लेते तो वो ऑलमोस्ट ग्रीन आप बोलोगे, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बोलोगे मतलब .7H2 बोला, ग्रीन क्रिस्टल्स बोल दिया, क्रिस्टल्स बोल दिया, अगर ये है तो आप व्हाइट लिख के आपको बोलोगे ग्रीन, ठीक है, इसका नाम होता है ग्रीन विट्रियोल, लेकिन ठीक है अभी छोड़िए इसको, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहां पर ग्रीनिश टिंचर लेकर रखता है, तो ये आपका ग्रीन सॉलिड हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाएगा अगर आपने क्रिस्टल से स्टार्ट किया होगा, और ये व्हाइट बेसिकली ये व्हाइट फॉर्म या ऑलमोस्ट ग्रीनिश टिंचर लेकर रखता है, हम लोग व्हाइट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक्वस मीडियम में जब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं तो उसका कलर व्हाइट इज ऑल्सो कलर, उसको हम आर्बिट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला चीज कॉपर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज माय डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट है फेरस सल्फेट, अभी सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में है तो क्या होगा, दिस इज ग्रीन कलर सॉल्यूशन, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन होता है। कहां मिलेगा ये, वो याद है एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी जहां पर वी आर एडिंग सम, सपोज आयरन नेल्स आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो देयर विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट विल फॉर्म, इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बी डीकलराइज, ब्लू कलर से डीकलर फेड अवे हो गया, डीकलराइजेस और लाइट ग्रीन, नॉट वेरी डार्क, लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक एक्टिविटी दिया हुआ है वहां पर जिंक प्लस H2SO4 करके दिया हुआ है, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली कलरलेस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, कलरलेस सॉल्यूशन, ऐसे सॉलिड फॉर्म में ये आपका क्या रहेगा, व्हाइट, ठीक है। KI का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली KI इज यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर आयोडाइन, तो आयोडाइन का केस आपका क्या होता है, जहां पे आप लेड आयोडाइड बनाना चाहते हो या फिर सिल्वर आयोडाइड बनाना चाहते हो, सो दिस इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर एडिंग द सॉल्यूशन, यहां पर कलरलेस सॉल्यूशन ही आपने ऐड किया, तो आपको जो कलर दिखने जा रहा है वो काफी ज्यादा विजिबल होगा, तुरंत आपको दिखने लगेगा। लेड नाइट्रेट, अगेन देखिए आपको केमिस्ट्री में लेड नाइट्रेट का बेसिकली इंपॉर्टेंस समझिएगा, लेड के इन जनरल दो सॉल्ट्स सॉल्युबल अच्छे खासे होते हैं और इन्हीं को यूज किया जाता है, एक होता है लेड नाइट्रेट, दूसरा होता है लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट, यही दो चीज आप यूज करते हो इन जनरल टू इंट्रोड्यूस Pb2+ आयन, नंबर वन। तो अगर आपको लेड नाइट्रेट दिया है या लेड एसीटेट दिया हुआ है एंड यू हैव एडेड KI, तो आपका टेस्ट वही हो गया, Pb2 वाला हो गया, ठीक है।
नाउ अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा इसका टेस्ट जो होता है दैट इज बेसिकली आप बोलोगे यहां पे क्या है, यहां पर है हीटिंग, आपने इसको भी देखा होगा, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स, ये भी एक एक्टिविटी है। यहां पर क्या होगा, वी विल सी दैट वहां पर आपका NO2 गैस निकलेगा विच इज अ कलर्ड गैस, है ना, कलर्ड गैस कलर है। तो ये दोनों ही आपको NCERT में दिख जाएगा अलग अलग जगह पे। इन जनरल ये नहीं दिया हुआ, हम लोग लेड नाइट्रेट को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, अगेन सिल्वर नाइट्रेट का आप देखोगे इट इज बेसिकली कलरलेस सॉल्यूशन, ओके कलरलेस सॉल्यूशन है, और यहां पर सिल्वर आयन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस इज द बेस्ट सॉल्ट बोलिए, जो भी टेस्ट आप देखोगे उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। केमिस्ट्री में आई मीन एनसीईआरटी में अगर बात करें तो इन जनरल सिल्वर के सॉल्ट्स के बारे में बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, हो सकता है सिल्वर क्लोराइड दिया है, सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन के बाद सिल्वर आयोडाइड भी है, तो ये चार आपके, तीन चार आपके पास हैं जो सिल्वर सॉल्ट्स हैं, इसमें से सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट ही सॉल्युबल है, तो वही हम लोग यूज कर रहे हैं इन द सॉल्यूशन मीडियम, बाकी सब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ठीक। ये है सोडियम एल्यूमिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एल्यूमिना या एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, NaOH तभी बनता है, ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कलरलेस, दिस इज ऑल्सो कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी आपका कलरलेस है लेड नाइट्रेट। NO2Z1O2 सोडियम जिंकेट, अगेन आपका कलरलेस सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन ही है, आपको ऑलरेडी पता है, क्लियरली मेंशन भी है कि बेकिंग सोडा कहां पे है एंड वॉशिंग सोडा कहां पे है, ठीक है। दोनों ही आपको इन द फॉर्म ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स में आएगा, इन द इलेक्ट्रोलिस, बेकिंग सोडा आपके कोर्स में है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट पे भी आ सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में आएगा, ठीक है। तो वो चीज प्रिपरेशन वाले पार्ट में जाएगा, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो आई होप कि कलर बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस पे आते हैं, ये एक एक जिस्ट है जो आपको क्लियरली सिखा रहा है कि अगर ये आता है तो आप घबराइए मत, ये आपको डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। सो बिकॉज आप रिएक्शन लिख देते हो, बैलेंस भी कर लेते हो, पर वो किस कलर का वो आपको याद नहीं रहता, तब दिक्कत होने लगता है, समथिंग चेंजिंग टू सम अदर कलर, दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, द स्लाइड्स विल बी गिवन टू यू, डोंट वरी, बट इसको अच्छे से हमको लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ कंपाउंड्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, सॉल्ट फॉर्म में अगर आप देखिएगा इट इज देयर इन अ क्रूज, सो ब्लीचिंग पाउडर इज अगेन वाइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियरली मेंशनड है, इट इज ऑल्सो वाइट, जिप्सम अगेन वाइट, ओके। सो फॉर्मूला वी नो इट वेरी वेल, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, CaSO4.5H2O, है ना, जिप्सम का CaSO4.2H2O, दैट वी नो। नाउ ये आपका वाइट है, एजी आपका सिल्वर कलर हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर ग्रे हम लोग बोल देते, बिकॉज वी एक्सपेक्ट, बहुत सारे लोग जो मेटल्स होते हैं दे आर ग्रे इन कलर, सिल्वर का ग्रे बाकी मेटल ग्रे से थोड़ा अलग होता है, इसे सिल्वर ग्रे बोल देते हैं, एंड AgBr आपका येलोइश होता है, ये वी नो इट, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जब इन सब का कहां का यूज है, आप देखो देयर इज एक्सपेरिमेंट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहां पे ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा, POP इज इन आवर कोर्स, वो आपके पास है ही है, ब्लीचिंग पाउडर क्लियरली मेंशनड है कि ये चीज पूछा जाएगा, बिकॉज इट इज देयर इन द सिलेबस, सो एवरीथिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज देयर इन आवर सिलेबस, ओके। सो कलर याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी लिख ही दे रहा, बहुत सी चीज आपको याद हो जाएगा। नाउ दिस KMnO4 ये भी हमारे कोर्स में है, कहां मिलेगा, वी नो कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने में KMnO4 प्लस KOH यूज किया जाता है, टू व्हाट, इथेनोइक एसिड, एक रिएक्शन हमारे कोर्स में दिया हुआ है, जब वो दिया हुआ है तो हमें उस तरफ देखना होगा। सो KMnO4 जो है दिस इज पर्पल कलर, ओके। सो वो टेस्ट में क्या होता है, ये रिडॉक्स कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन दैट रिएक्शन इथेनॉल रिएक्ट्स विद KMnO4 प्लस KOH बिकॉज ऑफ अल्कलाइन नेचर, हम बात करें जो NCERT में लिखा है उसके हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट फॉर्म्स व्हाट, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ओके। इथेनोइक एसिड अगेन कलरलेस होगा, दिस इज ऑल्सो कलरलेस,
लाइम वाटर कलरलेस, कैल्शियम बाइकार्बन कलरलेस। नाउ लाइम वाटर टेस्ट में ये दोनों आता है, वी नो दैट इजंट इट। लाइम वाटर में क्या होता है, इट इज नथिंग बट CaOH होल ट्वाइस, दिस इज अ लाइम वाटर। व्हेन वी टॉक अबाउट पासिंग थ्रू CO2, तो CO2 मतलब से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच इज अ मिल्की सस्पेंशन, एंड वी एड CO2 प्लस H2O इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज अ क्लियर सॉल्यूशन। तो इस चीज को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपको याद आ गया होगा, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। अगर नहीं है तो एक बार इसको लिख के देखिएगा, CaCO3 plus H2O plus CO2 is CaHCO3, ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, सो ये क्लियर कट हो जाएगा कि आपको रिएक्शंस भी याद हो। मैंने एक शीट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप रिएक्शन पे जो दिया हुआ शीट वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो दीज आर अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट इज देयर इन योर कोर्स दैट मे अपीयर इन योर एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो वी हैव टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल अबाउट द कलर्स, कलर ऑफ द सॉल्यूशन या कलर ऑफ द कंपाउंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। नाउ सो ऑल्सो वन मोर थिंग सर, सर जो आपका NaOH है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, राइट? या सो NaOH इज अ कलर सॉल्यूशन विच इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मींस व्हाट, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, so its concentration, its values decreases, okay? So this will be talking about, it is important for pH, you can say that what happens if NaOH is exposed to air. So since NaOH is hygroscopic in nature, so it is a basic in nature, so pH is high. But if you add moisture to it, that is water to it, it will become less basic, isn't it? Less basic means it moves toward 7, so its pH is going to decrease. We will be talking about this thing also. So adding water to NaOH or absorbing moisture by NaOH, both will lead to decrease in basic strength. Please just give your arguments in this sense. It decreases the amount of OH minus in a given solution, because the same number of OH minus, suppose it was there in 1 liter solution, now because of absorption of moisture, it becomes 1.1 liter. So the concentration decreases, therefore pH decreases. Decrease means what? It moves towards pH 7. This is a neutral one. So basic, if you move away, that is move forward, increase the pH, it is becoming more and more basic. So don't write pH increases. No. If you increase the pH, so pH is going to increase, basic nature is going to increase. Decrease the pH. Why? It is above pH 7. So it is basic only. OH minus is decrease. So the pH is now less than the earlier one. That type of question can come in the value base or the HOTS questions. Okay? Clear?